नमस्कार, सुप्रभात। 2 दिन पहले हमने एक विषय पे चर्चा की थी, किस विश्व में मनुष्य और मनुष्य के धर्मों में जो समानता या विषमता है, उसका कारण उसका नैसर्गिक तत्व और प्रदेशों से भिन्नता के वातावरण में इनका निर्माण हुआ है। अब हम उस विषय पे चर्चा करेंगे कि इस विश्व का एकात्म भाव, जैसे कि हम जान चुके हैं कि अमेरिका में हो या यूरोप में हो या सऊदी में हो या चाइना में हो या हिंदुस्तान में हो, जो कुछ एक विषाणु आज दुनिया को अपनी ताकत से मनुष्य मात्र की सभी विज्ञान को पराभूत कर चुका है, वो एक ही विषाणु कोरोना है। तो एक विषाणु यदि समस्त मजहब, धर्म, पंथ, देश, प्रदेश, खंड, उपखंड, इन सब के लिए समानता पूर्वक अपना बल बता रहा है, तो इस एक विषाणु हमें ये सबक सिखाता है कि विश्व में एकात्म भाव ही सत्य भाव है। इसका अर्थ क्या है? चाहे हिंदुस्तान हो या अरबस्तान हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, एक ही सूरज सभी दुनिया को ऊर्जा देने वाला स्रोत है। एक ही सूरज है, इस पृथ्वी पे एक ही चांद उपग्रह के तौर पर दिखता है, चाहे वो यूरोप में दिखाई देता होगा, हिंदुस्तान में दिखाई देता होगा, अमेरिका में दिखाई होगा या अरबस्तान में दिखाई देता होगा, उत्तर ध्रुव पे या दक्षिण ध्रुव पे, एक ही चांद है। चांद एक, सूरज एक, ये पृथ्वी या ये भूपृष्ठ, ये पृष्ठ या तल, ये जमीन, दुनिया में एक ही ढंग बताती है। ये हवा, चाहे वो हिंदुस्तान की हवा हो या अरबस्तान की हवा हो, उसमें प्राणवायु की मात्रा समान है। उसकी समुद्र तल से ऊंचाई पे उसकी मात्रा निर्भर होती है। हम ये जान चुके हैं कि आप कौन से खंड में रहते हैं, आप कौन से भूप्रदेश में रहते हैं, आप कौन से देश में रहते हैं, उस पर ये बात नहीं समझती कि उस देश की विशिष्ट नैसर्गिक तत्वों की अलगता है। समुद्र तल से ऊंचाई पर भूपृष्ठ को ठंडाई का, या विषुववृत्त से दूर प्रदेशों को ठंडाई का हवामान रहता है, तो वो खंड पे डिपेंड नहीं है, वो उसकी दूरी विषुववृत्त से कितनी है उसके ऊपर होता है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है उसके ऊपर होता है। तो हो सकता है कोई देश का कोई प्रदेश समुद्र से ऊंचाई से ऊंचा हो तो उसका हवामान ठंडा हो सकता है, कोई प्रदेश यदि समुद्र तल पर हो तो उसका हवामान उष्ण हो सकता है, कोई विषुववृत्त के नज़दीक हो तो वो उसके जाति, धर्म, पंथ, पक्ष, देश, प्रदेश, इसके ऊपर निर्भर नहीं होता। तो हम एक ही बात पे चर्चा करेंगे कि इस दुनिया में अलग अलग धर्मों का जो आज का वातावरण है, अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग धर्मों के बनाए हैं,
तो ये बनाने के समय इसका उद्देश्य उस प्रदेश में जहाँ पर इनकी उत्पत्ति हुई, उस प्रदेश के हवामान, उस प्रदेश के नैसर्गिक संसाधन उस प्रदेश के उस समय के मनुष्य के व्यावहारिक तत्व, उसकी उत्क्रांति के उस समय के लक्षण, इन सबको मिलाकर उसके नियमावली को बनाया गया। तो आज ये दिन ग्लोबलाइजेशन का है, दुनिया एक हो चुकी है। कौन से मुद्दे पे? कि कोई व्यापार तत्व से एक दूसरे देश को कनेक्ट है, कोई विज्ञान तत्व से कनेक्ट है, कोई संरक्षण तत्व से एक दूसरे से जुड़ा है। तो हमारा आज का प्रयोजन इस मुद्दों पे है, यदि पृथ्वी का भूपृष्ठ दुनिया में एक ही है, यदि वातावरण का मजहब से धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं, यदि एक ही सूरज दुनिया के हर मजहब को ऊर्जा देने वाला है, एक ही चांद दुनिया में अपनी शीतलता और रोशनी से रातों को दुनिया में अपना प्रभाव देता है, एक ही आकाशगंगा दुनिया में है, एक ही हवा दुनिया के अंदर हर राष्ट्र देश प्रदेश में है, तो तीन चीज दुनिया में क्यों अलग है? कौन सी तीन चीज? मनुष्य का जन्म यदि माँ की कोख से समानता पूर्वक होता है, चाहे वो हिंदू के घर में बच्चा पैदा हो या इस्लाम के घर में बच्चा पैदा हो, चाहे वो क्रिश्चियन के माता की प्रसूति हो या वो या किसी सिख माता की प्रसूति हो, उसका व्यवहार तो समान है। या मृत्यु, कोई मजहब में ऐसा मृत्यु का अलग अलग सा व्यवहार नहीं है। तो जन्म और मृत्यु अर्थात ना भाई, जन्म और मृत्यु मजहब के रूप में अलग दिखाई नहीं देते। तो ये मनुष्य का जो धार्मिक व्यवहार है, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आज की ग्लोबलाइजेशन में एक ही होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि व्यवहार तो ग्लोबलाइज हो चुके हैं, लेकिन हर देश की अपनी स्वतंत्र आर्थिक करेंसी है। जैसे कि हिंदुस्तान का रुपया का मूल्य अलग है, पाकिस्तान के रुपया का मूल्य अलग है, श्रीलंका का मूल्य अलग है, यूरो का मूल्य अलग है, या डॉलर का मूल्य अलग है, या भात का मूल्य अलग है, या रियाल का मूल्य अलग है। तो वस्तु एक ही खरीदने या बेचने जाते हैं, तो ये मूल्यों के जो तात्विक प्रणाली है कि एक डॉलर को 70 रुपए का मूल्य पड़ता है, तो हम एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। यदि एक 2,000 रुपए का इंडियन करेंसी का नोट छपवाना है, तो उसका खर्चा उतना ही आता है जितना कि 100 डॉलर के किसी किसी यूएस करेंसी को छपाना है। लेकिन जब यूएस डॉलर का 100 डॉलर वाला नोट किसी इंडियन को परचेस करना होता है, तो उसका मूल्य कितना पड़ेगा? 8,000 9,000 पड़ेगा। तो ये डिफरेंस ऑफ करेंसी दुनिया में मनुष्य पे एक अव्यावहारिक तत्व बता रहे। ग्लोबलाइजेशन तो हो चुका है और करेंसी अलग है, तो इसमें नुकसान उस राष्ट्रों का हो रहा है कि जो राष्ट्र की करेंसी का वैल्यू कम है। तो दुनिया में अभी दो बात हमें बदलना पड़ेगी आज के इस व्यवहार माहौल प्रकृति में। एक तो दुनिया में एक ही मनुष्य जन्म है, तो एक ही धर्म होना चाहिए, दुनिया का एक ही धर्म होना चाहिए, दुनिया का एक ही कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। वो कोड ऑफ कंडक्ट किसी धर्म पे डिपेंड्स नहीं करता होगा, वो उस
देश क्षेत्र प्रदेश के वातावरण पे कंडक्ट करता है। ठंड हवामान में कैसा जाना चाहिए, गर्म हवामान में कैसा जीना चाहिए, बरसात के दिन में कैसा जीना चाहिए, धूप के दिन में कैसा जीना चाहिए, दिन में कैसा जीना चाहिए, रात में कैसा जीना चाहिए, कौन से कपड़े का परिधान करना चाहिए, कौन से वस्तु का खाना चाहिए, कौन से वस्तु का नहीं खाना चाहिए, ये जो अलगता है उस एक ही कोड ऑफ कंडक्ट में आना चाहिए कि जो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या बुद्ध हो, अलग अलग मजहब का कोई अलग कोड नहीं होगा। उस क्षेत्र के प्रादेशिक वातावरण के हिसाब से उसका कोड ऑफ कंडक्ट होगा। दूसरा, हमें बदलाव दुनिया में लाना पड़ेगा कि एक दुनिया है, एक विश्व है, एक यूनिवर्स है, तो एक ही करेंसी होना चाहिए। तो वो व्यवहार सामान्यतः एक प्राकृतिक व्यवहार होगा जिससे हम अपनी प्रभुत्व का असली असली रूप देखना पसंद करेंगे। तीसरी बात है कि मनुष्य के व्यवहार में उसके गुणों का तत्व समझ के लेना चाहिए। बोले तो उसकी बुद्धि क्या है, उसका ज्ञान क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसका बल क्या है, उसकी क्षमता क्या है। तो ये क्षमताधिष्ठित उसकी तत्वों का जो प्रभाव है उसके हिसाब से उसका तरतम भाव दुनिया जानना चाहिए। हम जाति के आधार पर आरक्षित है, हम गरीब श्रीमंती के आधार पर आरक्षित है, हम प्रदेश के आधार पर आरक्षित है, हम उसके संसाधनों के आधार पर आरक्षित है। तो ये जो आरक्षित तत्वों हमें हमसे कॉम्प्रोमाइज समाज निर्माण करता है, उसका नुकसान हर को एक को भुगतना पड़ता है। तो ये आरक्षित तत्व उसी के हिसाब से न होते हुए, किसका ज्ञान अच्छा है तो उसका आरक्षण अलग होना चाहिए, उसका बल अच्छा है या उसकी शरीर की शक्ति अलग एक प्रभावित करने वाली है तो उसका तत्व उसके प्रभाव के कारण उसको उच्च स्तर पर लेना चाहिए। तो इस बदलाव को यदि हम स्वीकार करेंगे और उसके बुद्धि हिसाब, उसके तत्व हिसाब, उसके ज्ञान हिसाब, उसके अनुभव हिसाब, उसके साधना के तत्व को मध्य रखते हुए, उसके बल के तत्व को मध्य रखते हुए, उसकी उम्र के हिसाब से हम यदि उसका सर्वेक्षण कर, उसका परीक्षण कर, मनुष्य जाति के विभागीय तत्व को अलगतापूर्वक जानकर इस समाज का व्यवहार बदलाव करेंगे तो हम निश्चित रूप से देखेंगे एक समाज उच्च संस्कृति का समाज और निरंतर प्रमाद रहित तत्वों को हम जानेंगे और उससे मनुष्य जाति को शांति, सुख, समाधान, आनंद, विश्वास, आरोग्य मिलेगा। आरोग्य भी उसमें दड़ा है, विश्वास भी उसके अंदर होता है, समाधान भी उसमें होता है, आनंद भी उसमें होता है और शांति, हम बोलते हैं ना विश्व शांति। विश्व शांति कब मिलेगी? जब उसमें पारदर्शिता रहेगी। अपारदर्शिता या कोई कॉम्प्रोमाइज तड़जोड़ व्यवहार मन को शांति नहीं दे सकता। इस तत्वों को हम अंततः इसको हम पूर्ण विराम देने के पहले आपको बोलेंगे कि हमें अभी बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। एक विश्व, एक सूर्य, एक चांद, एक वातावरण, एक भूतल, एक आकाश, एक जन्म, एक मृत्यु, और इसके हिसाब से हमारा धर्म एक होना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था एक ही कीमत की होनी चाहिए, वन करेंसी, वन रिलीजन, वन ह्यूमन एंड वन कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसका हमें आगे चलकर प्रस्ताव दुनिया में लाना चाहिए। जो कुछ भी छोटी छोटी दुकानें मजहब के नाम पर आज चल रही है, जो दुकानदारों ने मजहब को एक अलग जगह ले जाकर अपना दुकान चलाया है, ये सब छोटे छोटे दुकानों को बंद कर, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या बुद्ध हो, जैन हो या पारसी हो, यहूदी हो या और कुछ भी हो, ये छोटी छोटी दुकानों को बंद कर मानवता का बिग बाजार, ओनली वन रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी, ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ
रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी इज रिलीजन। तो ये एक बिग बाजार जिसमें हर व्यक्ति समाविष्ट हो और उसका अलग कोड ऑफ कंडक्ट, एक ये बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको हमें यहाँ से शुरू करना होगा तो ही हम इस नैसर्गिक आपदा से मनुष्य को बचा सकते हैं। हमारे लिए ये सब चीज़ ज़रूरी है कि हमें अभी बदलाव के मुद्दों पर ही सोचना पड़ेगा। तो ये बदलाव की शुरुआत हम आज के इस व्याख्यान से करते हैं। आगे हमें इसका सोचकर, ये नहीं कि कोई अकेला आदमी इस पर सोच सकता है, दुनिया का हर आदमी अपनी अपनी सोच रखता है, अपनी अपनी कुछ सोच के मुद्दे रखता है। तो आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। आपके पास भी कुछ सुझाव हो तो ज़रूर हमें उसे अवगत कराएं। हम सब मिलकर ये बदलाव लाएंगे और एक दिन इस दुनिया में ऐसा आएगा कि हर मनुष्य का एक ही धर्म होगा, एक ही कोड ऑफ कंडक्ट होगा, कि जो जाति या मज़हब के तत्वों पर नहीं होते हुए वो प्रदेश, वातावरण और भौगोलिक परिस्थिति पे निर्भर कर हमें जीने की राह बताएगा। तो इस मुद्दों को पूर्ण विराम देते हुए आपको शुभकामना है। आपका आरोग्य स्वास्थ्य निरोगी रहे, आप निरोगी रहे, आप आरोग्यपूर्ण रहे, आपके मन शांत रहे, और जो कुछ आपका आज का जो जिस प्रदेश में जिस देश में आप हैं, आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जो भी नियम जो भी निर्बंध आपके लगाए हैं उस निर्बंधों का पालन करें। शुभ दिन, शुभ सकाळ, जय हिंद।